हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट। डिफरेंशिएशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन, अर्थात किसी भी फंक्शन के अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अवकलन के सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, भी सूत्र। पिछले वीडियो में हम लोग अवकलन के कितने सूत्र पढ़े थे, चार सूत्र पढ़े थे, ठीक है। पहला सूत्र क्या पढ़े थे कि एक्स के पावर एन का डीसी, एक्स के पावर एन का डीसी अर्थात डेरिवेटिव इसको कह सकते हैं हम लोग। एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव कितना होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। एक्स के पावर एन का साधारण भाषा में हम लोग बोल सकते हैं डीसी, एक्स के पावर एन का डीसी कितना होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। दूसरा बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट अचर फलन जो बदलता नहीं है, जैसे एक दो तीन चार, एक बटा दो, दो बटा सात, इस तरह से कुछ भी रहे, अचर जो फंक्शन है कॉन्स्टेंट फंक्शन का अवकलन कांस्टेंट फंक्शन का डीसी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और तीसरा बताए थे वन बाई एक्स के पावर एन का डीसी, वन बटा एक्स के पावर एन का डीसी, वन बटा एक्स के पावर एन का डीसी माइनस एन बटे एक्स टू पावर एन प्लस वन होता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, ये सब पर उदाहरण लेके भी हम मतलब समझाए थे सबको, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहला पार्ट डिफरेंशिएशन का तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फोल्डर बनाया हुआ होगा डिफरेंशिएशन बाय नीलेश सर, उसको देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, अच्छा समझ में आएगा। और चौथा बताए थे रूटेक्स का डीसी, रूटेक्स का डीसी, तो रूटेक्स का डीसी क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स। फिर से एक बार बोलते हैं, एक्स के पावर एन के डीसी, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कोई भी कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो, ठीक है। वन बाई एक्स के पावर एन का डीसी कितना होता है, माइनस एन एक्स की पावर एन, सॉरी एक बटा एक्स के पावर एन के डीसी माइनस एन बटा एक्स के पावर एन प्लस वन, और रूट एक्स का डीसी होता है वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है। ये सब हम बता दिए थे उदाहरण लेकर, आज हम लोग फिर पढ़ते हैं, इधर लिखा हुआ सूत्र देखते हैं। पांचवा सूत्र क्या है, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डीसी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो साइन एक्स का डीसी कितना होता है, कॉस एक्स। आप लोग सबसे पहले अवकलन सीखने से पहले ये सब सूत्र को दिमाग में बैठा ले, याद कर ले, ठीक है, अच्छी तरह से। साइन एक्स का डीसी कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। कॉस का डीसी कितना होता है, माइनस साइन एक्स। एक बात यहां पर याद रखेंगे कि त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है उसकी संख्या कितना होता है, छ। कोई भी त्रिकोणमितीय मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना है, छ, जिसको हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना है, छ। अब साइन साइन कॉस टेन कॉट से कोस, तो जिसके आगे सी होगा, जिसे कॉस एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स आगे सी है, तो जिसके जिसके आगे सी होगा उसके अवकलज में क्या आगे होगा, माइनस होगा। इसे देखते हैं हम लोग, साइन एक्स का डीसी क्या है, कॉस एक्स, अब यहां पर कॉस एक्स है तो कॉस के आगे अगला क्या है, सबसे अगला लेटर क्या है, सी, सबसे अगले क्या है, सी है, तो सी है तो नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब टेन एक्स की बात करेगा तो टेन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डीसी, कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट के भी अगला सबसे फर्स्ट लेटर क्या, सी है,
सी है, तो जब जिसके आगे सी रहेगा कोई भी त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां निष्पत्तियां छ, तो छ में से जिसके आगे सी रहेगा, फर्स्ट लेटर जिसका सी रहेगा उसका डेरिवेटिव में नेगेटिव होता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कॉटेक्स, तो कॉटेक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद कर लेना है ये सब का सत्यापन हम इलेवेंथ क्लास में कर दिए थे। ठीक है, ये जितना भी ये सब सूत्र है सबका सत्यापन हम इलेवेंथ क्लास में कर दिए हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कॉटेक्स के डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कोसेक एक्स का डीसी कितना होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना कॉटेक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। फिर से इसको हम लोग देखेंगे, अगर कोई कहेगा कि साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होगा, साइन एक्स का डीसी डेरिवेटिव, ठीक है, तो साइन एक्स का डीसी कितना होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होगा कॉस एक्स होगा। ठीक है, अब कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस एक्स के डीसी, ठीक है, तो कॉस का फर्स्ट लेटर क्या है माइनस सी है, तो सी है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस में होगा, तो साइन का डीसी कॉस, तो कॉस के डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन का कॉस, तो कॉस का साइन माइनस साइन, यहां सी है तो आगे क्या कर दिया माइनस। ठीक है, अब टेन एक्स के डीसी, तो टेन एक्स के डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, साइन का डीसी कॉस, याद कर लेना है साइन के डीसी एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। अब अगला है कॉटेक्स, कॉटेक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉटेक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अगला है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, तो कोसेक्स में आगे सी है तो इसका डीसी हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। ठीक है, साइन का डीसी कॉस एक्स, कॉस का डीसी तो कॉस में आगे सी है तो जिसको हम इसमें देखिए यहां देखिए ए है, ए भी है, ए भी है, आगे सी है तो माइनस में हो गया, सी है माइनस है, सी है तो माइनस हो गया, अर्थात जिसके आगे अगर सी है कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में जिसका फर्स्ट लेटर अगर सी से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो उसको डेरिवेटिव क्या हो जाता है नेगेटिव में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जैसे कॉस है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉटेक्स है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होगा कॉटेक्स होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है, सबको याद करना है ये सब कैसे आता है, सब इलेवेंथ क्लास में हम बता चुके हैं कि सबका सत्यापन कि साइन एक्स का डीसी किस प्रकार कॉस एक्स होगा सिद्ध किया हुआ होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डीसी यहां पर कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। ठीक है, इतना याद करिए, ये सब पर उदाहरण लेकर हम समझाते हैं। ठीक है, पहले सूत्र को हम याद करवाते हैं उसके बाद उदाहरण लेकर समझाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट। अब चलिए हम लोग आएगा कुछ सूत्र देखते हैं। इग्राहमा सूत्र है, एक्स का डीसी कितना होता है वन होता है। ठीक है, समझते हैं किस तरह से वन होता है। हम अभी बता रहे हैं जिसे मान लिया जाए कि कोई भी फंक्शन को हम मान लिए वाई, चाहे एफ एक्स भी मान सकते हैं, तो वाई बराबर एक्स दिया हुआ है। अब इसका हम अभी डीसी पढ़ रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव इसका एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष कितना होता है वन होता है। एक्स के डीसी एक्स के सापेक्ष ही वन होगा, वाई जेड ये सब के सापेक्ष नहीं, एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होगा वन होगा। कैसे होगा देखिए, पिछले वीडियो में हम बताए थे एक्स के पावर एन वाला सूत्र, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के पावर एन का डीसी एन एक्स डी पावर एन माइनस वन, मतलब पावर को आगे ला देना है और जितना पावर रहेगा उतना में से क्या घट जाएगा एक घट जाएगा। ठीक है, तो इसी पर हम इसको हल करते हैं। ठीक है, यहां पर वाई बराबर मान लिए कितना है एक्स, अब एक्स के पावर कुछ नहीं तो कितना होगा एक होगा,
एक्स का पावर कुछ नहीं तो कितना होगा, एक होगा। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, हम अवकलन कर रहे हैं, अवकलित कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वाई का डीसी एक्स के सापेक्ष का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब एक्स के पावर एक के, तो हम क्या बताए थे कि जो पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, जो पावर रहेगा वो आगे आवेगा, तो पावर कितना है एक, तो एक आगे आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स, अब एक पावर आया, अब पावर में से एक घटेगा, तो एक में से एक क्या कर दिए, घटा दिए। फिर से समझते हैं, एक्स के पावर एक मतलब एक्स का डीसी कितना होता है, एक होता है। कैसे होता है, इसको दर्शा रहे हैं एक्स के पावर एक है, तो जब एक्स के पावर एक है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के पावर एन के जो फॉर्मूला है उस पर हम इसको अवकलित कर रहे हैं, तो जो पावर है वो आगे ला दिए, अब पावर में से क्या घट जाएगा, एक घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक, अब आ गया एक में से एक जाएगा कितना हो जाएगा जीरो, एक में से एक जाएगा कितना हो जाएगा जीरो, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर जीरो उसका मान कितना होता है, एक होता है। और एक में एक से हम गुणा करेंगे, तो एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक्स का डीसी होता है एक्स के सापेक्ष कितना होता है, एक। एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है, एक होता है। अब अगला बरहमा सूत्र है, सी एक्स का डीसी कितना, सी। सी एक्स का डीसी कितना होता है, सी होता है, जहां सी कौन सी है, कॉन्स्टेंट है, अचर है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा, सी एक्स का डीसी सी होता है, ठीक ना। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि जो भी कॉन्स्टेंट टर्म रहता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, जैसे टू एक्स है तो टू एक्स है तो टू को हम कॉमन कर लेंगे। अब एक्स का डीसी अभी बताया क्या, वन, तो टू एक्स का डीसी, जैसे सी एक्स का डीसी सी, तो टू एक्स का डीसी क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या, टू। थ्री एक्स का डीसी तीन, चार एक्स का डीसी कितना हो जाएगा चार, पांच एक्स का डीसी कितना होगा पांच, छह एक्स का डीसी कितना होगा छ। अगर यही रह जाए टू एक्स बटा तीन के डीसी, तो टू एक्स बटा तीन में जो अचर है, अचर कौन है, दो बटा तीन कॉमन कर दिए, अब बच गया एक्स, तो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा वन, तो टू एक्स बटा तीन का डीसी कितना हो जाएगा दो बटे तीन, ठीक है। यही रहता तीन एक्स बटा सात है, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा तीन बटे सात, यही रहता माइनस टू एक्स बटा नौ है, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा माइनस दो बटे नौ। कैसे होगा, इसको हम दर्शाते हैं इस सूत्र पर, सी एक्स का डीसी कितना होता है सी, सी एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है सी, ठीक इसी प्रकार टू एक्स का डीसी कितना लिख सकते हैं टू लिख सकते हैं। थ्री एक्स कहीं पर अगर आया तो उसका डीसी हम क्या लिख सकते हैं तीन लिख सकते हैं। इसको दर्शाते हैं कैसे होगा, ठीक है। दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम मान लिए वाई चाहे एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं, तो वाई बराबर क्या दिया हुआ है सी एक्स। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वाई के डीसी एक्स के सापेक्ष डीवाई बाई डी एक्स, अगर टी के सापेक्ष होता तो डीवाई बाई डी टी, थीटा के सापेक्ष होता तो डीवाई बाई डी थीटा, यहां पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डीवाई बाई डी एक्स। अब सी एक्स, तो सी कॉन्स्टेंट है, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं, ठीक है। अब एक्स, तो एक्स तो डी एक्स बाई डी एक्स, और अभी अभी हम बताएं कि एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है वन होता है, एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है वन होता है, तो सी में एक्स से गुणा करेंगे कितना होगा सी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सी एक्स का डीसी होता है कितना होता है सी होता है। अगला सूत्र तेरहवा, ई के पावर एक्स, ये सब जितना भी सूत्र है सबका सत्यापन हम इलेवेंथ क्लास में कर चुके हैं, कैसे एक्स का डीसी वन होगा, चाहे कैसे ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स हो जाता है, प्रथम सिद्धांत से इस सबका हम सत्यापन कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे ई के पावर एक्स का डीसी, तो ई के पावर एक्स का डीसी कितना होता है ई के पावर एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझते हैं, जैसे ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष का हो जाएगा ई के पावर एक्स, अगर ई के पावर वाई रहता तो ई के पावर वाई का डीसी वाई के सापेक्ष का हो जाता है ई के पावर वाई, ई के पावर टी है तो ई के पावर टी का डीसी टी के सापेक्ष का हो जाएगा ई के पावर टी, ठीक है। यहाँ पर ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स का डीसी होता है ई के पावर एक्स, ठीक ना। आगे चलते हैं चौदहवा सूत्र, चौदह सूत्र है,
एक के पावर एक्स का डीसी कितना होता है, एक के पावर एक्स लॉग ए, जहां ए क्या होगा कांस्टेंट होगा, ए क्या होगा कांस्टेंट। एक के पावर एक्स का डीसी, एक के पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष एक के पावर एक्स लॉग ए होता है। जैसे मान लिया है कोई पूछ देगा दो के पावर एक्स का डीसी, तो यहां दो ए क्या है कांस्टेंट है, तो यहां पे दो भी कांस्टेंट है, तो एक के पावर एक्स का डीसी एक के पावर एक्स लॉग ए, तो दो के पावर एक्स के डीसी क्या हो जाएगा दो के पावर एक्स लॉग दो। कैसे इस सूत्र का सत्यापन होगा अगर आप लोगों को नहीं करने आता है तो कमेंट करें, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, एक के पावर एक्स का डीसी एक के पावर एक्स लॉग ए, ठीक उसी प्रकार दो के पावर एक्स का डीसी दो के पावर एक्स लॉग दो, तीन के पावर एक्स का डीसी तीन के पावर एक्स लॉग तीन, पांच के पावर एक्स का डीसी पांच के पावर एक्स लॉग पांच। क्यों? क्योंकि एक के पावर एक्स का डीसी होता है, एक के पावर एक्स का डीसी होता है एक के पावर एक्स लॉग ए, जहां ए अचर है, तो ठीक उसी प्रकार दो के पावर एक्स का डीसी कर सकते हैं दो के पावर एक्स लॉग दो, तीन के पावर एक्स का डीसी तीन के पावर एक्स लॉग तीन। ठीक है, ये था सूत्र क्रमांक 14। अब पंद्रहवां सूत्र देखते हैं, पंद्रहवां सूत्र है लॉग मोड एक्स का सूत्र होता है वन बाय एक्स, मतलब लॉग मोड एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है वन बाय एक्स, वन बाय मोड एक्स नहीं वन बाय कितना एक्स होता है, यानी कि इस तरह से कोई ऐसे भी जनरल पूछ ले सकता है, जैसे कोई पूछ दिया कि लॉग एक्स का डीसी कितना होगा, तो लॉग एक्स का डीसी कितना हम बोलेंगे वन बाय एक्स, अगर कोई न भी बोलेगा तो यहां पर समझना है क्या है, यहां पर मोड एक्स है। ठीक है, तो लॉग मोड एक्स का डीसी वन बाय एक्स, चाहे लॉग एक्स का डीसी, ऐसे जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म लॉग मोड एक्स नहीं होगा, लॉग एक्स नहीं, लॉग एक्स से इससे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लॉग मोड एक्स, तो लॉग मोड एक्स का सूत्र होता है वन बाय एक्स, या लॉग एक्स का कोई सूत्र पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग वन बाय एक्स। ठीक है, या फिर इस तरह से भी कोई पूछ दे सकता है कि लॉग एक्स बेस में ई है, लॉग एक्स बेस ई, इसका भी डीसी कितना होगा वन बाय एक्स ही होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको हम दर्शाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि वाई बराबर कोई दे दिया लॉग एक्स बेस में ई है, ई के पावर एक्स नहीं, लॉग एक्स बेस में क्या है ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स, सूत्र है अगर इस तरह से रहे लॉग बी बेस में ए रहे तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी बटे लॉग ए। लॉगरिथमिक जो चैप्टर है 11th क्लास का ये प्रॉपर्टीज है कि लॉग बी बेस में ए रहेगा तो इसका सूत्र होता है लॉग बी बटे लॉग ए। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको हम लिख दिए, y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है लॉग x जिसका बेस में क्या है ई, ऐसे अगर कोई कहेगा ना लॉग x है तो इसका बेस 9 भी देगा ना तो हम लोग को समझना है कि ई है या 10 है, इसका बेस में या तो ई होगा या तो 10, केवल ई नहीं ई भी, जैसे लॉग ई का मान होता है 1 और लॉग 10 का भी मान कितना होता है 1 ही होता है, तो जो फंक्शन है लॉग एक्स है इसके बेस में ना तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग समझेंगे या तो ई होगा या तो बेस में क्या होगा 10 होगा। ठीक है, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, या तो ई भी रह सकता है या तो 10 भी रह सकता है, तो हम यहां पर निकाल रहे हैं लॉग एक लॉग एक्स जिसका बेस क्या है ई, इसका डीसी निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस सूत्र पर लॉग ए बटा में बी है, मतलब बेस में बी है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बटे लॉग बी लॉग बी, ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं लॉग एक्स बटे कितना लॉग ई लॉग ई। अब देखते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, तो वाई के डीसी एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखें लॉग ई कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है वन, और हम अभी अभी बताया कि जो कॉन्स्टेंट रहता है उसको क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट रहता है उसको क्या कर लेते हैं कॉमन, यहां पर बताया ना सी एक्स का डीसी सी, तो सी कौन सा है उसको कॉमन कर दिया और एक्स का डीसी क्या लिख दिया वन, तो सी में वन से गुना किया तो सी हो गया, तो सी एक्स का डीसी सी में एक नाम जो सी था कॉन्स्टेंट उसको क्या किया था कॉमन, तो यहां पर लॉग ई है इसको हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो
तो वन बाई लॉग ई को हम कॉमन कर लिए तो बच गया क्या लॉग एक्स, और हम जानते हैं कि लॉग एक्स का डीसी क्या होता है वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डीसी क्या होता है वन बाई एक्स, तो वन और लॉग ई, तो लॉग ई का मान कितना होता है वन, वन बाई लॉग ई, तो लॉग ई का मान वन, तो वन बटे वन गुने वन बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। तो हम अभी क्या देखें कि अगर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का भी डीसी होगा वन बाई एक्स, अगर लॉग मॉड एक्स है तो लॉग मॉड एक्स का डीसी भी क्या होगा वन बाई एक्स, अगर लॉग एक्स बेस में ई है तो इसका भी डीसी क्या होगा वन बाई एक्स, या फिर दे सकता है लॉग एक्स अब बेस में दस है तो इसका भी डीसी होगा वन बाई एक्स। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा, कहीं पर ये सब यूज हो सकता है। ठीक है, लॉग एक्स का डीसी वन बाई एक्स, लॉग मोड एक्स भी रहेगा तो उसका भी डीसी वन बाई एक्स, लॉग एक्स बेस में ई है तो इसका भी डीसी वन बाई एक्स, लॉग एक्स बेस में दस है तो इसका भी डीसी होगा वन बाई एक्स। क्यों? क्योंकि लॉग दस का भी मान कितना हो जाएगा वन, जैसे यहां पर दस लिए तो दस लिए तो दस हो गया, यहां पर भी दस हो गया, यहां पर भी दस, और लॉग दस का मान क्या होता है वन, तो वन बटे वन गुने वन बाई एक्स, क्या मिलेगा हमको वन बाई एक्स। तो ये इस चारों फॉर्म में हमको याद करना होगा। ठीक है, लॉग एक्स का डीसी वन बाई एक्स, लॉग मोड एक्स का डीसी वन बाई एक्स, लॉग एक्स बेस ई इसका भी डीसी हो जाएगा वन बाई एक्स, लॉग एक्स बेस दस इसका भी डीसी होगा वन बाई एक्स। ठीक है, लेकिन सोलहवां कुछ अलग है, सोलहवां क्या है अलग है, लॉग एक्स बेस में ए रहेगा तो इसका डीसी हम वन बाई एक्स नहीं लिख सकते हैं, 100% गलत हो जाएगा वो। ठीक है, कैसे गलत होगा इसको हम दर्शा रहे हैं, लॉग एक्स का डीसी क्या होगा बाबू वन बाई एक्स, लॉग मोड एक्स रहेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, लॉग एक्स बेस में ई रहेगा उसका भी डीसी वन बाई एक्स, लॉग एक्स बेस में दस रहेगा तो उसका भी डीसी वन बाई एक्स। अब सोलहवां सूत्र है लॉग एक्स बेस में ए है, लॉग एक्स बेस में क्या है ए है तो इसका डीसी वन बाई एक्स लॉग ए होता है। कैसे होता है इसको हम दर्शा रहे हैं, सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए का डीसी कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा वन बाई एक्स लॉग ए। ठीक है, इसको दर्शाते हैं, इसे मान लिया जाए कि y बराबर दे दिया log, y बराबर log x बेस में कितना है a, तो इसको हम अभी भी बताएं कि log a बेस b बराबर क्या होता है सूत्र, log a बटे log b, log a बटे log b। ठीक इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बटे log a। अब जहां a क्या है, यहां पर a जहां a कांस्टेंट रहेगा, एक पहुंची है कांस्टेंट मतलब दो तीन चार पांच बटा में भी रह सकता है, दो बटा तीन कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब दोनों तरफ इसको हम एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, y के डीसी x के सापेक्ष का हो जाता है dy बाय dx। अब हम अभी क्या बताएं कि जो कांस्टेंट रहता है वो कॉमन कर लेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या करेंगे कॉमन, तो यहां पर हम देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई लॉग, इसको इतना बराबर हम लिख सकते हैं वन बाई लॉग ए, वन बाई लॉग ए गुने लॉग एक्स, कारण कि लॉग एक्स में एक से गुना करेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, अब बटा में लॉग ए, तो हम देख रहे हैं कि वन बाई लॉग ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर लिए कॉमन, कांस्टेंट है तो इसको क्या कर लिए कॉमन कर लिए, और बताओ लॉग एक्स का डीसी क्या बताए हैं वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डीसी क्या बताए हैं वन बाई एक्स, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, सॉरी हमें गलत हो रहा है, वन बाई लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो इसको हम कॉमन कर लिए, तो वन बाई लॉग ए को हम कॉमन कर लिए, लॉग ए को क्या कर लिए कॉमन कर लिए, अब लॉग एक्स लॉग जो कांस्टेंट है उसको कॉमन करेंगे तो वन बाई लॉग ए कांस्टेंट है, यह बदल नहीं सकता है, इसका मान फिक्स है वन बाई लॉग ए। ठीक है, अब ये कह जाओ कुछ भी रह सकता है, अब लॉग एक्स का डीसी क्या होता है वन बाई
एक्स, तो इसी को हम सजा के ऐसे लिख सकते हैं वन बाय एक्स, एक में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, और एक्स में लॉग ए से, तो इसको लिख दिए क्या एक्स लॉग ए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव कितना होता है वन बाय एक्स लॉग ए। जैसे इस तरह से कोई पूछ देगा कि लॉग एक्स बेस में टू इसका डीसी कितना होगा, लॉग एक्स बेस में टू इसका डीसी कितना होगा, तो क्या हम लिखेंगे बेस जो रहता है वो आगे चला जाता है, लॉग एक्स का डीसी को वन बाय एक्स लिखते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा लॉग टू, क्यों, क्योंकि लॉग एक्स बेस ए का डीसी कितना होता है वन बाय एक्स लॉग ए, जहां ए का जगह दो तीन चार कुछ भी रह सकता है, तो यहां पर लॉग एक्स बेस में दो है, बेस में क्या है दो है, तो इसका डीसी हो जाएगा वन बाय एक्स लॉग टू। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर बेस में दो दे दिए, इस तरह से दो दे दिए, ये भी दो दो होगा, यहां पर भी दो होगा, और लॉग वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, लॉग वन बाय टू, लॉग टू का मान कुछ होता है तो कॉन्स्टेंट है भी, तो वन बाय लॉग टू कॉन्स्टेंट है, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको हम क्या कर लिए कॉमन, और लॉग एक्स का डीसी वन बाय एक्स, अब एक्स में लॉग टू से गुना कर देंगे तो एक्स लॉग टू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स बेस टू का डीसी कितना होता है वन बाय एक्स लॉग टू। अब यही कोई कह देता लॉग एक्स बेस थ्री है, लॉग एक्स बेस में थ्री है इसका डीसी कितना होगा, तो वन बाय एक्स लॉग थ्री, एकदम सिंपल है, वन बाय एक्स लॉग थ्री। इस तरह से कोई कह देगा लॉग एक्स बेस में ई है तब इसका कितना होगा, तो इसका तो वन बाय एक्स ही हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं वन बाय एक्स लॉग ई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग ई का मान कितना हो जाता है वन हो जाता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, एक और हम पूछते हैं उसको आप लोग बनाइए। इस तरह से रहेगा लॉग एक्स बेस में पांच है इसका डीसी कितना होगा, तो इसका डीसी क्या लिखेंगे हम वन बाय एक्स लॉग पांच, वन बाय एक्स लॉग पांच, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।